अब तक की सबसे ज्यादा हैवी मशीनों में से एक मशीन है ये। नॉर्मल जो मशीन होती है तो उसमें यहाँ पे सिंगल गियर होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पे डबल गियर का यूज कर रहे हैं। ये देखिए, ये डबल गियर हम यूज कर रहे हैं और इसका शानदार फायदा आपको मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं पवन चौहान, आप सभी का मोहन मिश्रा बिजनेस कोच यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं हमारे श्री माननीय मोहन मिश्रा सर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी नई मॉडल कंक्रीट मिक्सर लिफ्ट मशीन को लॉन्च करने का मौका दिया। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आखिर इस मशीन पे नया क्या है जो आपको किस तरीके से फायदा पहुंचा सकता है, या इस हमारी नई मॉडल की मशीन पे आपको क्या अंतर नजर आने वाला है बाकी हमारी मशीनों से। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कंक्रीट मिक्सर मशीन की हर वो छोटी छोटी बातों को कवर करेंगे जो आप जानना चाहते हैं। मोहन मिश्रा जी के सपनों को अब साकार बनाना है। असली और मजबूत मशीनें, असली और मजबूत मशीनें ग्राहक तक पहुंचाना है। मोहन मिश्रा इंडस्ट्रीज जाना है, अगर अपने सपनों को साकार बनाना है। दोस्तों इस मशीन को देखने में आपको काफी मजा आएगा और जितना मजा आपको आएगा इस वीडियो को देखने में उससे कहीं ज्यादा मजा आएगा इस मशीन को जब आप लेके चलाएंगे। तो आइए देखते हैं कि आपको आखिर इस मशीन पे क्या क्या मजा आने वाला है और वो कौन सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिसको जानकर आपको बेहद खुशी होगी। ये मान के चलिए दोस्तों अब तक की सबसे ज्यादा हैवी मशीनों में से एक मशीन है ये, क्योंकि हर छोटी छोटी एंगल, हर हम चाहे लोहे की बात करें, हम चाहे बेयरिंग की बात करें, हम चाहे टायर की बात करें, सारी चीजों में एडवांस मतलब कूट कूट के इसमें क्वालिटी डाला गया है। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी साफ, जो हल्की मशीनें होती हैं, जो नॉर्मल मशीनें होती है उसमें 48 mm का शाफ्ट यूज होता है या ज्यादा 50 mm का, जिसमें यूज होता है 0.16 की बेयरिंग। लेकिन ये जो मशीन आप देख रहे हैं दोस्तों, इस मशीन पे हमने यूज किया है 60 mm का शाफ्ट। 60 mm का शाफ्ट बड़ा होता है, हैवी होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये 60 mm का शाफ्ट लगा हुआ है, क्योंकि इस मशीन में हर एक पार्ट्स किसी न किसी कारण से लगाए गए। अगर हम शाफ्ट को हैवी लगाए हैं तो उसके पीछे रीजन ये है, इसके साइड में वहाँ पे बेयरिंग यूज होता है, उस बेयरिंग का साइज होता है 0.19 का। ज्यादातर जो मशीनें होती है दोस्तों उसमें आप देखे होंगे कि 0.16 की बेयरिंग होती है, और 0.16 की बेयरिंग से एक साइड इफेक्ट होता है, और वो साइड इफेक्ट ये है कि आपकी जब साइट में मशीनें लगातार चलती है तो कई बार ज्यादा हीट हो जाता है या लगातार चलने की वजह से उसके छर्रे बाहर निकल जाते हैं, मतलब बेयरिंग टूट जाती है। तो इस मशीन पे आपको बेयरिंग टूटने की भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि 0.19 की बेयरिंग की साइज बड़ी होती है और 0.16 की छोटी होती है, तो छोटी साइज में प्रेशर ज्यादा वो झेल नहीं पाता है, और बड़ी साइज में प्रेशर थोड़ा बहुत भी अगर होगा, क्योंकि दोस्तों जब आपको बकेट 250 से 300 किलो का माल जब ऊपर लेके जाता है तो काफी प्रेशर होता है, तो उस स्थिति में कभी आपका ड्राइवर झटका दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, तो किसी भी प्रकार की स्थिति को ये जो 60 mm का शाफ्ट है और 0.19 की बेयरिंग है वो आसानी से झेल लेती है। ये इसकी बहुत खास बात है। अब इसकी हंडी की ओर आते हैं। ये जो आप इस हंडी की कवर देख रहे हैं, इसकी साइज 12 mm हमने लगाया हुआ है, और इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये 8 mm मोटी चादर, इतनी मोटी चादर है कि एक नॉर्मल व्यक्ति या कोई भी मिस्त्री इसको हाथ से टर्न नहीं कर पाता है, हाथ से मोड़ नहीं पाता है, इसको मोड़ने के लिए मशीनों की जरूरत पड़ती है। और आपका जो मिक्सिंग का काम है यहाँ से लेकर यहाँ तक ही होगा, सारा मटेरियल यहीं पे घिसना होता है, सारा चीजें मतलब सारे काम यहीं पे होने, तो इसको हमने इतनी हैवी कर दिए हैं कि डेली अगर आप 6 से 8 घंटा भी चलाते हैं तो ये मान के चलिए कि कम से कम 2 से 2.5 साल छेद नहीं होगा। बस थोड़ा सा आपको साफ सफाई का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर हंडियां इसलिए छेद नहीं होती कि उसमें कंक्रीट को मिक्स किया जाता है, छेद इसलिए होती है जब शाम होता है तो सीमेंट और पानी को ऐसे छोड़ दिया जाता है। ज्यादातर जो लेबर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, उनका कहना एक कॉमन डायलॉग होता है कि भैया सुबह तो काम करना ही है तो कितना साफ करेंगे, तो शाम के समय में छोड़ के चल देते हैं, और छोड़ के चल दिए
तो फिर रात भर में वो स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं और धीरे 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 छः महीना साल डेढ़ साल के जाते जाते उसमें छेद हो जाती है। तो बस थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान दीजिए, बाकी कम से कम डेली 6 से 8 घंटा आप यूज कर रहे हैं तो 2 से 2.5 साल तो इसमें छेद नहीं होगा, एक कम से कम की बात है। दोस्तों ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट था। इसके अलावा भी आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम ट्रेन की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं इसकी जो साइज है 5.5 के साइज से हमने क्रैंक बनाया है। ये जो आप देख रहे हैं मक्खी प्लेट, इसकी इसमें हमने पूरे 4 नट बोल्ट सिस्टम लगाए हुए हैं एडजस्टिंग के लिए, ताकि यहाँ पे जो आपका 12-10 गियर है उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, बहुत अच्छे से आप स्मूथली चला सकते हैं। जिस प्रकार 4 गियर की गाड़ी होती है उससे बेहतर 5 गियर, उससे बेहतर 6 गियर, और आजकल तो आज से 10 गियर वाले भी कार या बाइक आ चुकी हैं। तो जितना ज्यादा गियर होता है उतना अच्छे से स्मूथ चलता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे मक्खी प्लेट में एक नहीं 4 एडजस्टिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से हंडी और गियर को आप अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी सबसे खास चीज। अक्सर दोस्तों कई बार पेपर में आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं कि एक लेबर की मौत हो गई छत से गिर, तो छत से गिर के नहीं होता है दोस्तों, होता क्या है जब चैनल जो 2 पाए वाला चैनल होता है जब उससे आपके लेबर चढ़ते हैं, आपकी मिस्त्री चढ़ते हैं चैनल बांधने के लिए, तो 30 फुट के ऊपर अक्सर 2 पाए वाला चैनल की हिलने की जो गति होती है काफी बढ़ जाती है। इसकी चेचिस और इसकी एंगल को हमने इतना हैवी कर दिया है कि काफी हद तक कंट्रोल किया जा सका है चैनल हिलने की गति। 5.5 का एंगल से ज्यादातर मशीनें चेचिस बनाई जाती है और जो एंगल होता है वो भी 2.5 इंची का होता है, तो चेचिस कमजोर होता है तो ऊपर काफी ज्यादा हिलता है दोस्तों। तो हमने बदल के किया क्या, 6.3 की चेचिस रख दिया 6.3 के एंगल से, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसकी जो साइज है 4 इंच के एंगल से बना हुआ है। इतना हैवी पार्ट इसमें हमने लगाया हुआ है कि इस मशीन से आप 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 नहीं पूरे 10 से 12 मंजिल तक की छत की ढलाई आप इस मशीन से आसानी से कर सकते हैं। पर आप देखेंगे लोग हथौड़ा लेके इसको ढलाने का प्रयास करते हैं, इसके अंदर में सीमेंट वगैरह रहता है, तो यहाँ पे अगर मारा जाता है हथौड़ा या जो भी बेलचा वगैरह है जो भी आप कहते हैं वो अगर मारते हैं तो इसमें ये पचकता है, ये तो नहीं पचकेगा लेकिन दूसरी हंडियाँ पचक जाती है। लेकिन अब आपको मारने की इच्छा है तो उसके लिए भी हमने एक रास्ता एक जुगाड़ बना के दिया हुआ है, और वो है ये पट्टी। अगर आपको मारना है तो आप इस पट्टी पे मारिए, जिससे आपकी हंडी दबेगी भी नहीं और आपका सीमेंट भी झड़ जाएगा। आपके सारे जरूरतों का हमने ख्याल रखा हुआ है, तो ऑल इन वन आप कह सकते हैं। आप जितना रफ यूज करना चाहते हो उतना रफ यूज कीजिए, आपके हर सिचुएशन पे ये मशीन आपके कंधे से कंधा मिला के चलेगा। उसके बाद दोस्तों एक और चीज है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ज्यादातर जो जैक होते हैं वो लिफ्ट के बकेट के बाजू बाजू में होते हैं, ताकि प्रेशर को संभाला जा सके, सारा प्रेशर केवल चेचिस पे न पड़े। तो हमने यहाँ पे 2 नहीं 4 जैक दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं 4 जैक है, जिससे आपकी मशीन को अच्छे से बैलेंसिंग किया जा सके। दोस्तों हम इसके बाद बात करते हैं इसके टायर की, क्योंकि आज भारत में इतनी तरक्की होने के बावजूद भी रोड में गड्ढे कीचड़ पत्थर और उबड़ खाबड़ जगह खत्म नहीं है, तो उस रोड पे चलने के लिए आज इस मशीन पे हमने ये हैवी टायर लगाया हुआ है, जो कि बेसिकली 407 जो ट्रक होता है, माजदा होता है, पानी टैंकर होता है, जो 4 चक्के ट्रैक्टर ट्रॉली होते हैं उसमें जो टायर यूज किया जाता है वो टायर हम इसमें लगा रहे हैं। और इसी मदद से दोस्तों कभी अगर आपको 50 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर भी अगर आपको काम मिलता है तो आप आसानी से ट्रैक्टर में खींच के आप इस मशीन को लेके जा सकते हैं और इसका हब टूटेगा नहीं, क्योंकि ये जो आप हब देख रहे हैं दोस्तों इस हब का यूज पानी टैंकर 4 चक्का ट्रैक्टर ट्रॉली में यूज होता है, जो कि काफी हैवी होता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, इसका फायदा आप शानदार रूप से ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक ऐसा पार्ट्स या कहिए एक ऐसे फीचर्स जिसकी वजह से आज हम इस हैवी मशीन को लॉन्च कर रहे हैं, वो है इसके गियर की वजह से। नॉर्मल जो मशीन होती है तो उसमें यहाँ पे सिंगल गियर होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पे डबल गियर का यूज कर रहे हैं। ये देखिए ये डबल गियर हम यूज कर रहे हैं, और इसका शानदार फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ड्राइवर आपका जो मशीन का ड्राइवर है कई बार ज़्यादा प्रेशर दे दिया, या कभी जल्दीबाजी में, या कभी
ये कहिए कि ऊपर से आपका जो 250-300 किलो का माल है, गलती से ब्रेक लग नहीं पाया या फिर और किसी भी प्रकार की सिचुएशन होती है, तो उस स्थिति में जब ये जो बाल्टी है ऊपर से नीचे आते रहता है, अचानक इसको पकड़ के इस प्रकार का गियर लगाया जाता है या बोलिए रोका जाता है, क्योंकि ब्रेक लग नहीं पाया और ड्राइवर जो है सीधा इसको लगा देता है, तो कई बार इसके दांत होते हैं वो टूट जाते हैं। तो वो टूटे ना करके और आपकी पकड़ ज़्यादा हो, इसलिए आज हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सामने में लेके आ रहे हैं डबल गियर की कॉन्क्रीट मिक्सर मशीन, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हैवी है। दोस्तों ये इसकी सबसे लेटेस्ट फीचर है जो आपको बहुत कम मिक्सर मशीन में देखने को मिलेगा, या मैं यूँ कहूँ कि शायद किसी मशीन पे देखने को भी न मिले। इसके अलावा दोस्तों इस मशीन की बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो टूल बॉक्स है ये भी काफ़ी हैवी है। ज़्यादातर मशीनों पे तो टूल बॉक्स रहता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम आपको टूल बॉक्स दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम बेयरिंग सिस्टम यूज़ करते हैं स्टेयरिंग में, ताकि बहुत ईजिली से और बहुत आसानी से आप इसको काम में ला सकें। ऐसा उसके बाद यहाँ पे हिस्स देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे जो आपका बकेट है, बकेट भी काफ़ी हैवी दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पट्टी लगा के रखा है, क्योंकि कई बार जब इसको झड़ाया जाता है, जब इसको झड़ाने के लिए हथौड़ा मारा जाता है, तो लोग यहाँ पे भी मार देते हैं। तो यहाँ पे ना मार के आप इसमें मारिएगा, ताकि आपका बकेट अच्छा रहेगा। ऐसा करके ये फुल हैवी आइटम है दोस्तों। अगर आपको चाहिए हैवी मजबूत मशीन और आप लंबे समय के लिए बिना किसी प्रॉब्लम के काम करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस मशीन को एक बार लेकर ट्राई कर सकते हैं। आप जो निसंदेह अभी फायदे का सौदा होगा, ये हमारी कंक्रीट मिक्सर नई मशीन है, ये आप देख सकते हैं हमारी कंपनी यहाँ से दिख रही है पूरी कंप्लीट। और इसमें दोस्तों ये चार जेक है, तो ये दो जेक तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और दो जेक फिर आपको इधर मिलेगा पीछे साइड में, एक जेक यहाँ पे लगेगा और दूसरा जेक यहाँ पे लगेगा। ऐसा करके तो चार जेक का आप ज़बरदस्त लुत्फ़ उठा सकते हैं या मशीन का बैलेंसिंग कर सकते हैं। फीचर्स तो इतने सारे हैं दोस्तों कि लगातार अगर कहा जाए तो 9 दिन भी कम पड़ जाएंगे, इतने सारे फीचर्स हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, लेकिन आपसे ये वादा ज़रूर करूँगा कि बहुत जल्द आपसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे हमारे नए सम्मानीय ग्राहक के साथ में, हमारी नई प्रोडक्ट के लॉन्च पे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस वीडियो को सबको शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। दोबारा मिलते हैं, थैंक यू। मोहन मिश्रा जी के सपनों को अब साकार बनाना है।